हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलकम है माय चैनल माय फेरी टेरेस गार्डन में। आज का जो हमारा वीडियो है वो मैक्सिकन हैदर प्लांट के बारे में है। देखिएगा, ये जो प्लांट है इसके बहुत सारे नाम हैं। इसे मैक्सिकन हैदर भी बोलते हैं, फॉल्स हैदर भी बोलते हैं इसको, क्योपिया हाइसो पीफोलिया भी बोलते हैं इसको, हुवाइन हैदर भी बोलते हैं, एल्फिन हर्ब जो होती है, ये हर्ब प्लांट है। ये जो प्लांट है ये बहुत ज़्यादा हाइट में नहीं जाता है। देखिएगा, मैं आपको पूरा व्यू दिखाती हूँ। ये 60 to 90 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग प्लांट होता है, हर्ब है। ये आपके गार्डन में ग्रीनरी ऐड करता है। और नाम इस प्लांट के ज़रूर बड़े बड़े हैं, लेकिन आप यदि फ्लावर देखेंगे तो ये देखिए कितना छोटा सा फ्लावर है इसके अंदर, और पूरा प्लांट ही देखिए फ्लावर से भरा हुआ है। पूरे प्लांट में कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रखी है। तो आज हम इस प्लांट के बारे में बात करेंगे। देखिएगा, ये जो प्लांट होता है इसकी लीव्स जो हैं वो बहुत छोटी छोटी सी होती हैं। आपको दिख रही हैं, ये देखिए छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं इसकी, और फ्लावर्स भी इसके बहुत छोटे छोटे से होते हैं। इसके जो फ्लावर्स हैं वो अलग अलग, जैसे वैरायटी में ये प्लांट जो होते हैं उसमें इसके फ्लावर्स का कलर जो है वो पर्पल, जैसे मेरे पास ये पर्पल शेड वाला है, देखिए ये छोटे छोटे से पर्पल फ्लावर, और लेवेंडर वाइट कलर में इसके फ्लावर जो हैं वो मिलते हैं। देखिए, मैं आपको पास से इसका व्यू दिखा रही हूँ। छोटा सा सुंदर सा फ्लावर है। तो ये जो प्लांट है, अब हम बात करते हैं इसके प्रपोगेशन की। तो इसको ग्रो करने के लिए जो है वो हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, लेयरिंग से ग्रो कर सकते हैं इसको, सीड से ग्रो करते हैं, और सबसे सिंपल मेथड जो इसको ग्रो करने का वो है वो इसकी डिवाइडिंग। इसको डिवाइड करके आप ईजिली ग्रो कर सकते हैं। जैसे इसके नए प्लांट आ जाएंगे तो नए प्लांट से इसको हम ग्रो कर सकते हैं। अभी जैसे मेरा ये जो प्लांट है ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 6 मंथ पुराना ही है। तो देखिए, अभी ये एक ही है बॉटम में, लेकिन अभी 1-2 ईयर्स बाद जो है इसमें डिवाइड हो जाएगा ये। तो इस एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट्स बना सकते हैं। इसके अंदर देखिएगा बहुत सारी छोटी 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 सी कलियाँ होती हैं, पूरा प्रॉपर जो है वो दिखेंगी भी नहीं, छोटी छोटी सी इसमें कलियाँ आती हैं, उनमें ये फ्लावरिंग करता रहता है। ठीक है, देखिएगा यहाँ से आप यदि देख पाएँ, छोटी छोटी इसकी कलियाँ होती हैं, बैक साइड से थोड़ा शायद दिख जाए, तो इनसे इसमें फ्लावरिंग जो है वो चलती रहती है। ये अप्रॉक्स मार्च से लेके जून, अभी मई जून में बहुत भारी भयंकर धूप है, फिर भी ये फ्लावरिंग देखिए कितना अच्छे से कर रहा है। पूरा प्लांट जो है वो फ्लावर से भरा हुआ है। तो इसका प्रपोगेशन आप बहुत इजीली कर सकते हैं, इसके सीड्स से भी कर सकते हैं। इसके सीड्स बहुत छोटे होते हैं। जैसे इसका फ्लावर ड्राई हो जाए, जैसे कोई फ्लावर ड्राई हो तो मैं आपको बताऊं, ये शायद थोड़ा सा ड्राई हो गया है। ये देखिए छोटा सा फ्लावर है, ये ड्राई हो गया। अभी ये इसका बैक साइड है, यहाँ पर सीड मिलेंगे, इसका बहुत छोटा सा सीड्स है इसका, तो बहुत ध्यान से आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा इसका सीड्स। तो ऐसे आपको इसका सीड्स अवेलेबल हो जाएंगे, लेकिन सीड से ग्रो करना थोड़ा मुश्किल ही रहता है। तो मैं तो यही आपको राय दूंगी, या तो नर्सरी में आपको मिल जाए, या कहीं आपको ये प्लांट मिल जाए जिन सा जहाँ से आप कटिंग ला सकें, या छोटे छोटे और नए प्लांट इसमें आए हुए हैं तो आप वहाँ से उसको ग्रो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी सॉइल की। देखिए, इसको ज़्यादा वाटरिंग जो है रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो सैंडी सॉइल की रिक्वायरमेंट होती है। आप सैंडी सॉइल इसको दीजिए, और ज़्यादा कोई इसके अंदर सॉइल में वो नहीं है कि आप इतने परसेंट ये वाली सॉइल लीजिए। आप सिंपल गार्डन सॉइल लीजिए, बस ड्रेनेज उसमें जो है अच्छा होना चाहिए। वो तो किसी भी प्लांट में ड्रेनेज, आपको पता ही है, पॉट में लगा रहे हैं तो ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। वाटरिंग जो है ना, वाटर वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, नहीं तो उसकी रूट्स जो हैं वो गल जाएंगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ड्रेनेज इसका अच्छा हो, सैंडी सॉइल हो, तो वो इसके लिए बेटर रहता है।
और बाकी तो फिर नॉर्मल सॉइल में भी आप इसको लगा सकते हैं, बस वाटरिंग का फिर थोड़ा ध्यान रखिए आप इसमें। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इसके सनलाइट की। ये इसको फुल सनलाइट तो नहीं चाहिए, डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं चाहिए, हाँ लेकिन देखिए अभी जैसे शाम की जाती हुई धूप है तो इसको जो है वो अच्छी सनलाइट मिल रही है। तो मैंने इसको ऐसे प्लेस में रखा है जहाँ से उसको एक टाइम की धूप मिलती है। जैसे मैंने इसको गार्डन के उस कॉर्नर में रखा हुआ है, वो देखिए गार्डन का वो स्पेस खाली है इस समय, वहाँ से मैं इसको लेकर आई हूँ। तो मैंने इसको वहाँ रखा है जहाँ पर जाती हुई शाम की धूप इसको मिल जाती है, तो आप यहाँ पे शेड भी अवेलेबल हो जाता है। तो इसको थोड़ा सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है लेकिन फुल सन की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इसको पूरा धूप में ही रखें। तो आप इसको शेडी एरिया में रखें, पार्शियल सनलाइट इसको मिलती रहे, ऐसी जगह रखें, लेकिन आप इसको छाया में नहीं रखें। यदि आप इसको पूरा छाया में रख देंगे तो फिर इसमें बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होगी। जब मैं इसको लेकर आई थी नर्सरी से तो मुझे इसकी बिल्कुल इन्फॉर्मेशन थी नहीं कि मैं इसकी कैसे केयर करूँ, क्या फर्टिलाइज़र दूँ। तो फिर मैंने इसको यहाँ पे बिल्कुल ही छाया में रख दिया जहाँ पे बिल्कुल धूप नहीं आती थी। मैंने कहा बहुत छोटी छोटी सी लीव्स हैं, कितना सोफेस्टिकेटेड प्लांट है, तो मैंने कहा कहीं ये मर नहीं जाए, इसको धूप मिले कुछ भी, छोटे छोटे से फ्लावर हैं गल, तो ज़्यादा धूप मिलेगी तो सूख जाएंगे। तो मैंने तो इसको बिल्कुल ही, जैसे कहते हैं ना आप इनडोर साइड, ऐसे ही समझ लीजिए आप, बिल्कुल गार्डन के कोने में रख दिया छाया में। ये जितनी इसकी ब्रांचेज आपको दिख रही है ना, ये सब ब्रांचेज ख़त्म हो गई, एक भी फ्लावर नहीं था। लास्ट में इसका बॉटम के अंदर जो है ना एक छोटी सी, ऐसे छोटी सी एक ब्रांच बच गई। तो मैंने कहा ये तो पूरा मर ही गया ये तो प्लांट, अब तो इसमें कुछ है ही नहीं। तो फिर मैंने इसको जो है यहाँ पे थोड़ा धूप में ला के उस साइड कॉर्नर में रखा। इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन मैंने ली कि मैं इसको कितनी सनलाइट दूँ, और आज देखिए ये आपके सामने है। ये 4 to 5 मंथ का रिज़ल्ट है। 4-5 मंथ में कितना अच्छे से वापस ये प्लांट जो है वो जी गया है और इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो ये देख के मेरा दिल भी बड़ा खुश हो रहा है कि मैंने इस प्लांट को मरने से बचा लिया। यदि हमको प्लांट की थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हो तो जाते हुए प्लांट को हम जो है सेव कर सकते हैं। तो आप यदि अपने गार्डन में कोई प्लांट लगा रहे हैं तो प्लीज़ उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप रखिए, क्या फर्टिलाइज़र देना है, क्या करना है। अब हाँ इसके फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। मैंने तो इसको फर्टिलाइज़र सिंपल मैं आपको बताऊं, मैंने तो कंपोस्ट ही दिया है। वैसे आप एनपीके भी दे सकते हैं इसको, जो है ये वर्मी कंपोस्ट है, सरसों खली है, वो आप इसको दे सकते हैं। मैंने इसको सिंपल कंपोस्ट दिया हुआ है और सैंडी सॉइल में मैंने इसको लगाया हुआ है। अभी मैंने पूरे गार्डन में वाटरिंग करी है, इवनिंग का टाइम है तो ये देखिए पाइप है, मैंने अभी वाटरिंग करी है। तो फिर यहाँ पे आपको सॉइल थोड़ा मॉइस्ट लग रही है, इसको वाटरिंग आप टाइम टू टाइम करते रहिए, थोड़ा सनलाइट देते रहिए, फर्टिलाइज़र ये इजीली ग्रो कर जाएगा। ये मैक्सिको का नेटिव प्लांट है तो यहाँ पे इंडिया में भी ये पॉपुलर है। आप इजीली इसको स्प्रिंग और समर में इजीली ये फ्लावरिंग करेगा और आसानी से ग्रो हो जाएगा। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड है, तब थोड़ा इसका ध्यान रखना है हमको। तो ये इस प्लांट की सारी इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।